हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो ब्लू लिंक में एक एरर आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे व्हीकल का रनिंग टाइम वगैरह, ड्राइव टाइम, टोटल आइडियल टाइम और यहाँ पे स्पीड वगैरह सारी चीज़ें दिखाती है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर पिछले महीनों का रिकॉर्ड्स है। तो पिछले किसी भी महीने का मैं रिकॉर्ड ले लेता हूँ, जैसे कि दिसंबर का ले लेता हूँ 2020 का, तो भी नहीं आ रहा। उसमें तो मैंने कार को बहुत चलाया था, जनवरी का भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सब ब्लैंक आ रहा है। दो तीन भाइयों ने कमेंट किया था ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हम कस्टमर केयर से बात करते हैं। चलो, तो वो विन नंबर वगैरह भी मांग सकते हैं, तो मैं विन नंबर भी रख लेता हूँ कार का यहाँ पर निकाल के। तो यहाँ पर गाड़ी के कागज़ वगैरह रख लिया हूँ मैं, और यहाँ पे ब्लू लिंक के बटन को प्रेस कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, टू दिस कॉलिंग फ्रॉम योर ब्लू लिंक राइट सेंटर। जी सर, मिलिंद। जी सर, ये ब्लू लिंक ऐप में एक एरर आ रहा है। जैसा कि एक प्रॉब्लम आ रही है, इसमें जो ब्लू लिंक ऐप में व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट का एक सेक्शन आता है, जिसमें कि इसमें आइडियल टाइम वगैरह, स्पीड वगैरह सारों का मिक्स कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो उस सेक्शन में जब हम पिछले मंथ्स का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसमें सब ब्लैंक आ रहा है। जैसे कि पिछले मंथ्स में हमने कार को चलाई है तो उसका रिकॉर्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम पिछले किसी भी मंथ्स का रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पे सब ब्लैंक आता है, सब जीरो आता है। तो ये क्यों आ रहा है? पिछले मंथ क्या बात कर रहा है? हाँ, जैसे किसी भी मंथ की, जैसे कार खरीदी थी नवंबर में, उसके बाद में अब तक कार को चलाई है, लेकिन पिछले सभी मंथ्स का इसमें जीरो आ रहा है। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। आने वाले कनेक्शन की आपकी पूरी सहायता की जाएगी जी। सर, क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? मिलिंद चौधरी। ओके, नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद मिलिंद जी। और मिलिंद जी, आशा करता हूँ इस मुश्किल समय में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। जी हाँ। ओके, जान कर देख सकते शीतान जी बोलिएगा सर। जी जी, ओके। तो जैसे कि देख पा रहा हूँ i20 2020 व्हीकल आप यूज कर रहे हैं, राइट सर? हाँ। और अब तक जैसे कि मैं समझ पा, नवंबर में आपने जो व्हीकल है वो परचेज की थी, उसके बाद से आपकी व्हीकल जहाँ भी गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई अपडेट नहीं मिल रहा है? हाँ, यहाँ पे आता है ना ये सेक्शन, ये यहाँ पे टोटल ड्राइव टाइम, टोटल आइडियल टाइम, टोटल इंजन ऑन, यहाँ पे एक सेक्शन आता है ना, वो उसमें जीरो जीरो आ रहा है पिछले महीनों का भी और इस महीने का भी। ओके, उससे पहले का आ रहा है सर? क्या उससे पहले का शो हो रहा है आपको? नहीं, किसी भी मंथ का शो नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं पिछले मंथ का ट्राई करता हूँ तो वो भी सब जीरो जीरो आ रहा है, और उससे पिछले मंथ का ट्राई करता हूँ तो वो भी जीरो जीरो आ रहा है। चेक कर लेता हूँ मैं। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जान सकता हूँ सर जिससे आप लॉग इन कर रहे हैं? क्या मैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जान सकता हूँ जिससे आप लॉग इन कर रहे हैं एप्लीकेशन में? रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तो सेम है सर। बाकी मैं एक बार अगर आपकी व्हीकल की लोकेशन चेक करता हूँ, लास्ट लोकेशन हमें आज की रिसीव हो रही है और करीबन 3 मिनट पहले की, जो कि हमें शो हो रही है अंबेर में। हाँ, तो ऑल दो जैसे कि जी सर, तो ऑल दो मिलिंद जी, जैसे कि देख पा रहा हूँ व्हीकल की ट्रैकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं शो हो रही है हमें। बाकी मैं और डिटेल्स चेक कर लेता हूँ इसके रिगार्डिंग। थोड़ा समय लग सकता है जानकारी जानने में मिलिंद जी, क्या मैं आपके कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? जी हाँ, धन्यवाद सर। माइंड पे बने रहने के धन्यवाद मिलिंद जी, माफी चाहूंगा लंबे होल्ड के लिए। जी मिलिंद जी, जान सकता हूँ कि एप्लीकेशन में इसके अलावा आप बाकी चीजें यूज कर पा रहे हैं, जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप या नोटिफिकेशन प्राप्त होना एप्लीकेशन में? हाँ, बाकी सारी चीजें है, लेकिन बस ये एक छोटा सा सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे टोटल आइडियल टाइम, टोटल ड्राइव टाइम और यहाँ पे टोटल एवरेज स्पीड वगैरह यहाँ पे दिखाती है ना, एवरेज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, ये वर्क नहीं कर रहा है व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट में। माइंड ट्रिप में शो करते हैं सर वैसे आपको ये सारी जानकारियाँ? नहीं, व्हीकल
जब हम व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे सारी व्हीकल की यहाँ पे टिक मार्क है कि ये सभी चीज़ें सही है, एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर, इंजन कूलेंट। लेकिन इसके ऊपर आता है यहाँ पे नंबर ऑफ इंजन सोर्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल इंजन ऑन टाइम, टोटल ड्राइव टाइम, टोटल आइडियल टाइम, ये आ रहा है यहाँ पे ऊपर। लेकिन यहाँ पे डाटा शो नहीं कर रहा है। पहले करता था यहाँ पे, जब मैं कार लाया था तो पहले करता था, लेकिन अब मैंने जब 2-3 दिन पहले यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, इसके रिगार्डिंग सर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार चेक कीजिएगा आपका जो एप्लीकेशन वो अपडेटेड है या नहीं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, एक बार आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके सबसे पहले आप लॉग आउट कीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करेंगे और दोबारा लॉग इन करेंगे। आशा करता हूँ आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड याद होगा, राइट सर? हाँ। ओके, आप एक बार दोबारा लॉग इन करेंगे अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल करने के बाद, और एक बार फिर आप चेक करेंगे। बाकी अगर फिर भी आपको सेम एरर रिसीव होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि VHR में और माई ट्रिप्स में आपको डिटेल शो नहीं हो रही है नवंबर से, तो इस केस में आप हमें मेल कर सकते हैं ताकि जो इशू है उसको रेक्टिफाई कर पाए, अकॉर्डिंगली आपको कॉन्टेक्ट किया जाए। क्योंकि सर जैसे कि हमें देख पा रहा हूँ आपकी व्हीकल को हम सक्सेसफुली ट्रैक कर पा रहे हैं, तो आपकी व्हीकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्हीकल सेम डेटा हमें शो कर रहा है तो वो आपके एप्लीकेशन में भी आना चाहिए, राइट सर? तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर मैं, एक बार आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल करके एक बार चेक कीजिएगा, और फिर भी ऐसा एरर आता है तो प्लीज आप हमें मेल कीजिएगा ताकि सेम कंसर्न हम रेजोल्यूशन टीम को फॉरवर्ड कर रहा हूँ मिलन जी, और जानकारी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर पाए इसके रिगार्डिंग। ठीक है सर? कौन से आपको मेल, ईमेल आईडी? जी सर, मेल जी, मिलन जी मेल आईडी लिख लीजिएगा। हाँ बोलिए। ब्लू लिंक, BLUELINK। हाँ, ब्लू लिंक @ HMIL .net। जी सर, ठीक। और सर रिक्वेस्ट करूँगा कुछ डिटेल्स आपको मैं फॉरवर्ड करने पड़ेंगे मिलन जी इसके रिगार्डिंग, जैसे कि 4 डिटेल व्हीकल की और 4 डिटेल कस्टमर की। व्हीकल के रिगार्डिंग सर, व्हीकल का VIN नंबर, व्हीकल की डेट ऑफ डिलीवरी, डीलरशिप नेम और व्हीकल का वेरिएंट। अच्छा, डीलरशिप नेम, वैसे उसका शोरूम का नेम? जी जी, जहाँ से आपने व्हीकल डिलीवर करवाई थी उनका, उस शोरूम का नाम और कौन सी वेरिएंट आपने परचेज किया है i20 की। और इसके अलावा सर आपके अपने क्रेडेंशियल, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका करंट सिटी। जी जी, करंट सिटी, अभी जहाँ आप रह रहे हैं सेम सिटी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि VHR में आपको डिटेल शो नहीं हो रही है, आप उसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हमें मेल में अटैच कर दीजिएगा, उसमें आप प्रॉपर मेंशन कर दीजिएगा कि आप नवंबर से ये जो जानकारियां हैं आप नहीं चेक कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक, ये तो माफी चाहूंगा, तो लंबे समय से आप ये एरर फेस कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही आप हमें मेल करते हैं जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि जो एरर है उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। बाकी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर, अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल एक बार करके चेक कीजिएगा। ठीक है सर? अच्छा ठीक जी सर। मिलन जी, इसके अलावा कोई और सहायता मैं आपकी कर सकता हूँ हुंडई ब्लेंडिंग संबंधी? नहीं नहीं, धन्यवाद। वेलकम सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी बात सूरत से हो रही थी, आपका दिन शुभ रहे। तो जैसा कि आपने देख लिया अभी कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, तो अभी मैं वो सब चीज़ें अभी करके बताऊँगा, तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पहले ही लगभग 8-10 मिनट का हो गया है वीडियो। तो आप एक काम करना, जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो सभी i20 में हो रही है ये प्रॉब्लम, तो आप भी एक बार अनइंस्टॉल करके चेक कर लेना, और फिर आप सब एक साथ मेल डालो, जैसा कि मैंने वीडियो डाला है आज, तो आज ही आप चेक कर लेना सभी, और आज के दिन में सभी एक साथ ये जो इन्होंने बताया कस्टमर केयर वालों ने, इनकी मेल डालो एक साथ। इतने ज़्यादा मेल्स जाने की वजह से वो ज़रूर चेक करेंगे ब्लू लिंक ऐप में ये गड़बड़ क्या हो रही है। वैसे 2-3 भाइयों ने कमेंट किया था कि सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या है ना, 1-2 दिन के अंदर ही सब मेल कर दो, जिससे कि ज़्यादा मेल उनके पास पहुँचेंगे, तो वो जल्दी इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो बस आज के वीडियो में ये था। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।